तो रेहान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पहले जैम में 44 रैंक लाए, फिर उसके बाद आपने गेट को भी क्रैक किया 47 रैंक के साथ, और अभी आप ऑब्वियसली कानपुर जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, तो रेहान जी, जो सबसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि पहले तो आपने 11th 12th क्लियर किया, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन में गए, और अभी आप मास्टर्स के लिए IIT कानपुर जा रहे हैं, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही, थोड़ा मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। जैसे कि मेरा सर वैसे वही रहा था। 10th के बाद नॉर्मली बीएससी सॉरी 12th साइंस में एडमिशन लिया था अपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद मेरा 11th to 12th इतना अच्छे से नहीं गया, जैसे कि मेरा 12th में 82% था और 11th तो ऐसे ही रहता है। मतलब बेसिकली मैं उतना उस टाइम इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए इतना कैपेबल नहीं था उस टाइम, तो मैंने सिंपली बीएससी में एडमिशन लिया था। असल बीएससी में भी एडमिशन ऐसे लिया था कि बीएससी फिजिक्स में लिया था ऑनर्स में, और सब्सिडरी में स्टैटिस्टिक्स था, तो स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट आया। उसके बाद थोड़ा सा तो इसमें अपग्रेड करा लिया स्टैटिस्टिक्स में। अब धीरे धीरे पर उस टाइम मुझे पता था कि जैम एग्जाम होता है तो, लेकिन लकीली स्टैटिस्टिक्स में भी था और फिर मैंने इसमें अपग्रेड कराया, जैम के लिए प्रेप किया। फिर सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी कुछ, तो मैंने उसे काफ़ी कुछ पढ़ा था 3rd ईयर में, लेकिन इतना नहीं था कि इनफ कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूँ। फिर मैंने ड्रॉप लिया, मतलब सडन डिसीजन था एकदम, और ड्रॉप लिया। फिर मेरा दोस्त था एक बिना सॉफ, वो 2022 में आपकी कोचिंग में ही था, वो 300 समथिंग रैंक था उसका, तो उसने रिकमेंड किया था कि भाई तुम ये करो, और फिर मैंने ड्रॉप करके तैयारी की थी सुप्रीम से। ओके, तो सुप्रीमम को आपने स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया हुआ था। जी मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मुझे था कि भाई कोचिंग ज्वाइन करना ही है, अब तैयारी करना है। तो फिर मेरी बिना से बात हुई, मैं अनअकैडमी वगैरह अभी ढूंढ रहा था क्या करूँ क्या करूँ, तो उस टाइम भी बस मुझे थोड़ा सा फिर मतलब फिर डिसीजन लिया, फिर स्टार्टिंग से ही सुप्रीम से तैयारी की। तो आपका, जैसे जब आप जैम की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें क्या मतलब शेड्यूल आप फॉलो कर रहे थे, किस तरीके से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया, फिर क्या उसके बाद आगे आपने किया कि आपका इतना अच्छा रैंक आया है? शेड्यूल तो मतलब मेरा कुछ ऐसा ऐसा फिक्स नहीं था। ड्रॉपर की तैयारी कर रहे थे तो टाइम की कुछ कमी नहीं थी हमारे पास। बाकी मेन ये था कि मैंने मई में ज्वाइन किया था, 13th ऑफ मई। सर ने रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था उस टाइम। उसमें क्या हुआ था कि मेरे कुछ लेक्चर ना पीछे पेंडिंग थे, तो सर आगे पढ़ा रहे थे और मैं लेक्चर देखता था सर के रिकॉर्डेड, तो खास तौर से इसका मैथमेटिक्स का बेसिक मैथ्स प्लस आपका क्या लेक्चर्स, तो उसमें थोड़ी सी मेरी गलती ये हुई कि मैं सर का रिकॉर्डेड देखता रहा। मैं सोच रहा था कि सर को पहुंच जाऊंगा, सर को कवर कर लूंगा, तो ऐसा कभी हो नहीं पाया। और मैंने थ्रू आउट दिया सर की रिकॉर्डिंग क्लासेस देखी, पर मुझे रिकॉर्डिंग में मजा आने लगा। तो रिकॉर्डिंग में मुझे लगता था कि हाँ मैं थोड़ा सा अपने पेस पे पढ़ रहा हूँ और सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करते थे। तो बेसिकली तो यही रहता था कि पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं और फिर देखते थे कि जो सर ने प्रैक्टिस सेट दिया है तो उसमें कितने क्वेश्चन लग रहे हैं, फिर उसका टेस्ट देना है। तो इसी तरह से ही धीरे धीरे सिलेबस सर के साथ साथ ही कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं कि खुद से पढ़ रहे हैं अलग से। खुद से मैंने थोड़ा सा जैसे आपका FMS से कुछ मैंने क्वेश्चंस लास्ट के उससे कुछ मेन पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, बस खुद से ज्यादा इतना नहीं किया था। सर बोलते भी थे आप बुक पढ़ने के लिए, तो मतलब बुक पढ़ने का ट्राई किया मैंने पूरा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट बुक में था वो साथ साथ हो ही गया कोचिंग में, तो ऐसा इतना जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कोचिंग में सब कुछ प्रोवाइड हो गया था हम लोग को। तो कहने का मतलब, जो सर पढ़ा रहे थे वो मोर देन एनफ था जैम के लिए, तो इसलिए आपको ज्यादा इधर उधर मतलब मतलब। खुद से इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं थी, बस जितना सर करा रहे हैं उतना हो जाए। मतलब वो भी मोर देन सर भी ज्यादा कराते थे, मतलब सब बच्चे 100% सर का भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर 70-80% भी कर लेना सर का तो मतलब मोर देन इनफ है वो। AIR under 50 under 20 आने के लिए भी इनफ है अगर अच्छे से कर लेते हैं तो। और दूसरा, मैं ये भी, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते रहे, तो उसी में आपको फिर जी मजा आने लगा, तो ये क्या है कि आपका एक पैटर्न डेवलप हो गया। इसी तरीके से हर एक पैटर्न बच्चे हो का अपना गया। अपना एक होता है, रिदम होता है, वो जिस रिदम को पकड़ रहे हैं, और अपने आप में ये ना करें कि अगर लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है तो मायूस हो जाएगा, अरे सर का तो लाइव क्लास हो नहीं रहा है, मेरे से कहीं मेरा ना हो। तो रेहान जी एग्जाम्पल है कि उन्होंने रिकॉर्डेड देख देख करके चीजों को सीख करके फिर आगे इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो हो रहा, चलिए पढ़ने के टाइम का। फिर आपने मॉक टेस्ट में कैसे प्रिपरेशन किया?
हाँ सर, मॉक टेस्ट मेरा रहता था कि आप जैसे सर सपोज सर ने बोला आज शाम में टेस्ट है, तो या तो अगर मेरे पास टाइम होता था और जो जिस चीज़ का टेस्ट है अगर मैं पढ़ चुका होता था तो उसका रिवीजन करता था, मतलब मेरे पास जो नोट्स बनाता था मैं उसके, तो जैसे आज इवनिंग में टेस्ट है तो मॉर्निंग में मैंने 1 घंटा बैठ के सारा रिवीजन किया, जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना सर ने एग्जाम्पल कराया था। उससे क्या रहता है ना कि हमें ये भी याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो उससे मॉक टेस्ट अच्छे से होता था। प्लस जैसे सर फुल लेंथ टेस्ट लेते थे हम लोग का, तो मतलब एक बार मैंने यूट्यूब पर देखा था, एक जैम के टॉपर थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने बताया था कि जैसे आप A4 पेजेस को हाफ फोल्ड करके कट कर लिए और उसे स्टेपल कर लिए, तो वो ना आपका जैसे एग्जाम में स्क्रिबल पैड होता है ना वैसे वर्क करेगा। तो बोले थे कि आप जो है उस सारा थ्रू आउट द ईयर उसी में एग्जाम दिए, ताकि मतलब जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो उसमें आपको स्क्रिबल पैड मिलता है और वो A4 का हाफ होता है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें आप A4 पेजेस में या बड़ी कॉपीज में बड़े बड़े सॉल्यूशंस, और एग्जाम में आप जाएंगे सीधा छोटी कॉपी, तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब कितना प्रेशर और सब कुछ। तो स्टार्टिंग से मैंने वो स्क्रिबल पैड बनाता था, मैं सारे टेस्ट उसी में दिए, प्लस वही टाइमिंग रहती थी और जो टॉपिक सर ने दिया था, मतलब हर टेस्ट में ना आप पर्टिकुलर एक टॉपिक देख लीजिए कि इस टेस्ट में मुझे ये टॉपिक में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, लास्ट टाइम मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो हर टेस्ट में अगर हम एक एक टॉपिक करके भी अपना इम्प्रूव कर लेंगे तो मतलब एट द एंड आपका जो है अच्छा स्कोर आने लगेगा। स्टार्टिंग में तो कुछ स्कोर कम भी रहा, फिर वैसे रहता जैसा कि था। आपने उसको थोड़ा बताया, सीरियस लें, इसको सीरियस लें डेली, अगर सर शाम में लेते हैं ना तो शाम में वाइंड अप कर लें उसको। जैसा कि आपने कहा कि आप मतलब इवन देन जो जैम के टाइम पे पेपर प्रोवाइड किया जाता है, जो पैड राइटिंग पैड, आपने उसका भी रेप्लिका फॉर्म किया, तो मैं यही मतलब कहना चाहूंगा, मुझे इससे ये लगता है कि जो मतलब हर एक को 3 घंटे का समय मिलता है और सब लगभग लगभग मुझे लगता है अगर 3,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 70% तो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो जो टॉप करते हैं उनमें और जो नहीं कर पाते हैं, जो चूक जाते हैं उनमें यही अंतर होता है मेरे ख्याल से, कि वो पूरे एग्जाम का एक एक चीज का प्रिपरेशन करके जाते हैं कि कैसे एग्जाम का यस इंटरफेस हो, कैसे मुझे लिखना है, अगर उस टाइम पे सर्वर डाउन हो गया तो मैं कैसे उस प्रेशर को हैंडल करूंगा, तो वो हर एक चीज को लर्न करके जाते हैं, तो वो आपके ऐसे टॉप करते हैं आई थिंक। नहीं सर, मतलब बात ठीक है आपकी, ऐसा ही होता है, मतलब एग्जाम का जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। मेरे एग्जाम में हुआ था, वो मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई थी बीच में, लेकिन लकीली उस टाइम मेरा स्क्रीन ऑफ हुआ ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और उसका मोटा मोटा सब लिख लिया था, मतलब सॉल्व कर रहा था मैं उसमें, तो मेरा 2-3 मिनट मुझे इसमें एक्स्ट्रा मिल गए, वो स्टार्ट हो गया था, तो वो एंड में भी मेरा लास्ट में पेपर एंड हुआ था 2-3 मिनट बाद। तो वो बड़ा प्रेशर होता है कि आपको लगेगा स्क्रीन बंद हो गई, और मतलब वो इतना प्रेशर रहेगा ना कि अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, उस पर प्रैक्टिस नहीं किया आपने, तो आप बड़ा दिक्कत रहेगी आपको। जैसे तो आपको अगर मतलब आपका स्क्रीन ऑफ जो हो भी गया कुछ था, है जी जी, अगर आपका स्क्रीन ऑफ हो गया था तो कोई दूसरा बच्चा होता तो वो पैनिक हो जाता और आपने उस 2-3 मिनट को अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दिया और आपको 2-3 मिनट वो मैं एक्स्ट्रा भी मिल क्वेश्चन गया। सॉल्व कर रहा था, वो मैं सर को बोला कि ये स्क्रीन ऑफ हो गया, तो बोले स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, स्क्रीन मेरा ऑफ था। तो ये बड़ा रहता है, प्लस आपको ये भी रहता है कि मॉक टेस्ट जब आपका चल रहा है तो आपको ये पता रहेगा ना कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है और कौन सा छोड़ना है क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम में यही बड़ा हुआ था, कुछ लोग के साथ ऐसा हुआ भी, मतलब सब आता था लेकिन वो अपना मतलब ये करके नहीं, प्रैक्टिस करके नहीं गए थे मॉक टेस्ट का, तो उनका पेपर ठीक नहीं हुआ, ये बड़ा वो रहता है। अब एग्जाम में ऐसे ही हुआ हम लोग का कि हमारा जो MCQ था वो हमें करना ही नहीं था ज्यादा, हमें NET पहले करना था, इतना इस तरह से कुछ सेट किया था पेपर, और वहां पर इतना समझ नहीं आता, वहां पर शुरू के क्वेश्चन अगर आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो मतलब अच्छे अच्छे लोग पैनिक कर जाते हैं, और हमारे साथ भी यही हुआ कि शुरू के क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आ रहा था, तो उस टाइम पैनिक थोड़ा सिचुएशन हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसको मेंटेन किया, एट द एंड हो गया ठीक ठाक। तो जैसे कि जो चीजें आप बता रहे हैं कि जो जो प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम पे आपने फेस करी और उसको आपने उसी टाइम पे, क्योंकि वो उसी 3 घंटे में आपने उसे सॉल्व भी किया, तो क्या वो चीजें जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे ये सारी चीजें सीखने के लिए मिली क्या आपको? हाँ सर, अगर हम मॉक टेस्ट का एनवायरनमेंट उस तरह से बना के बैठे हैं तो ऑब्वियसली सीखने के लिए मिलेंगी, पर हाँ इतना नहीं हो पाता है क्योंकि अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं घर पे बैठकर, और आप पता है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हर कोई इतना सीरियस नहीं ले पाता उसको, लेकिन फिर भी उससे काफी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका एग्जाम में क्या होने वाला है।
वो अब ठीक है, वो सीखने के लिए मिलता है। अगर आप मॉक टेस्ट इतने सारे दे देंगे कि मतलब 20 25 30 मॉक टेस्ट अगर आपने अच्छे से दे दिए फुल लेंथ, तो फिर आप एग्जाम जैसा ही फील करेंगे वहां पर। एग्जाम में प्रेशर नहीं होगा फिर। इनकमिंग वॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये रहेगा कि मतलब जैसे कि आपने उसके अलावा भी कोई मतलब जो आपने कोचिंग में पढ़ाई करी उसके अलावा भी आपने कोई बुक फॉलो किया या कुछ इस तरीके से? सर ने तो हमें प्रसन्ना साहू मतलब पूरा रिकमेंड किया था। फिर हमें स्टैट्स पे पीके रोहतगी से पढ़ाते थे सर, और सर ने हमें बोला था कि आप एक ही बुक करिए, जो भी करिए अच्छे से करिए। तो पीके रोहतगी तो सर ने मतलब ऑलमोस्ट उससे कवर करा ही दिया था। बाकी बस मैंने FMS क्योंकि पहले पढ़ रखी थी तो उसपे थोड़ा सा कमांड अच्छी थी, तो उससे मैंने जो लास्ट एक्सरसाइजेस थे ना उसके कुछ उसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स नोट किए थे। बाकी ज्यादा बुक फॉलो नहीं की थी, बस इतना था कि कुछ रेफरेंस के लिए चले जाते थे बुक के ऊपर। ऐसे नहीं कि पूरा बुक से पढ़ा था, मतलब पढ़ना था मुझे लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था, कोशिश कर ओके रहा था पढ़ने की। ओके तो मैं आपसे रेहान जी जानना चाहूंगा कि अभी जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए देखिए मतलब हम लोग तैयारी करते हैं तो मतलब आपको लगेगा कि यार कभी पढ़ाई करने में ज्यादा मन लग रहा है कभी नहीं लग रहा है। मतलब अगर कोई ड्रॉप करके कर रहा है तो उसके साथ ज्यादा दिक्कत होती है कि किसी दिन पढ़ने का ही मन नहीं करता। 15 15 दिन हो जाते हैं कि यार फील ही नहीं आ रही है तैयारी वाली, पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। यही बोलूंगा कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन आप इतना जरूर करिए कि एट बेसिक जो है आपका लेक्चर सर के कंप्लीट करते रहे, साथ साथ नोट बनाते रहे, प्लस मॉक टेस्ट देते रहे। इतना इतना अगर सब करते रहेंगे ना और तो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज ये कि एकदम रिलैक्स होके पढ़े, मतलब जो टॉपिक हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़े थे उस टाइम स्टार्टिंग में इतना एग्जाम प्रेशर नहीं होता ना, तो वो चीजें आज भी अच्छे से आती हैं मुझे। मतलब अभी कोई क्वेश्चन देगा तो सॉल्व कर दूंगा। और जो जो टॉपिक्स मैंने एंड टाइम पे पढ़े थे तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब उसे 5 बार पढ़ना पड़ रहा था ताकि वो अच्छे से याद हो जाए मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये बड़ा दिक्कत होती है, तो कोशिश करिए कि अभी अच्छे से पढ़ लिए, बात के लिए मत टालिए कोई टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे ये टॉपिक लास्ट में हो जाएगा। अभी जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में कर लिए, लास्ट का टाइम सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस के लिए रहता है।